अब आप भी यूज कर सकते हैं अपने क्लासरूम में एआई को इस एआई पावर्ड यूरेका डिजिटल बोर्ड के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव राज चौहान स्वागत करता हूं आपका यूरेका टेक चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे यूरेका का लेटेस्ट जो एआई पावर्ड डिजिटल बोर्ड है। यूरेका 2016 से स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट क्लास सॉल्यूशन में काम कर रही है। अभी जो उसका बोर्ड है वो एआई पावर्ड और लेटेस्ट बोर्ड जिसका कि आज हम लोग रिवील करेंगे। आप भी इस बोर्ड का यूज करके अपने क्लासरूम को अपने टीचिंग स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए जानते हैं इस एआई पावर्ड डिजिटल बोर्ड में है क्या। तो ये जो एआई पावर्ड डिजिटल बोर्ड है इसके कुछ पैरामीटर्स और फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा आप ये देख रहे हैं ये यूरेका का बोर्ड, हम लोग इसके बेसिक फीचर्स या पैरामीटर्स के बारे में आज बात नहीं करेंगे। जो बेसिक टीचिंग टूल्स है उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जनरली बोर्ड में होता है। तो ये बाकी बोर्ड से कैसे डिफरेंट है और कैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स है, तो हम लोग इसके एआई फीचर्स पे चलते हैं। ये है इसका एआई फीचर्स। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी क्लास की, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टीचर्स के बारे में, अगर डिजिटल बोर्ड के साथ पढ़ा रहा है तो उसको सबसे पहले कंटेंट की ज़रूरत होती है, एक डिजिटल कंटेंट। साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स, बच्चों के साथ उसका इंट्रैक्शंस, 100% बच्चों का पार्टिसिपेशन जो भी क्लासेस में हो रहा है। इस एआई से, एआई पावर्ड यूरेका बोर्ड से आप 100% स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन भी कराएंगे। कैसे, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। आप क्वेश्चंस भी जनरेट कर सकते हैं, कैसे, वो भी हम लोग यहाँ क्वेश्चन आंसर भी सॉल्यूशंस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों का परफॉर्मेंस भी मेजर कर सकते हैं, एज वेल एज होल एंड सोल टीचर्स का भी, क्लास में कैसा परफॉर्मेंस है, उनके क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है, ये भी टीचर्स देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसके एआई के बारे में। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारा ये क्लासेस है, अलग अलग क्लासेस है और अलग अलग क्लास के हिसाब से यहाँ पे आपको कंटेंट, अलग अलग बुक्स आपको मिल जाता है, डिफरेंट सब्जेक्ट का डिफरेंट कंटेंट आपको मिल जाता है। मैं क्लास अभी चेंज करता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये जो है हमारा अलग अलग, तो कंटेंट का सॉल्यूशंस यहाँ पे आपका हो गया। अब बात करते हैं कंटेंट है या कंटेंट नहीं है, फिर भी हमें एआई बेस्ड, मतलब ऐसा कि हमने कुछ प्रॉम्प्ट दिया, एक टॉपिक दिया, टॉपिक बताया और उस पे हमारा क्वेश्चन आंसर्स बिल्ड हो जाए, बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो। जैसे अगर कोई भी एक क्वेश्चन हम क्लास में पूछते हैं बच्चों से, तो बच्चे हैंड रेज करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। सारे बच्चे हैंड रेज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हार्डवेयर डिवाइस भी हम देंगे जिसके थ्रू 100% बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जाते हैं, ये क्विज पे आते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन जनरेट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तीन ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, ये हमारा एआई है और इस एआई में हम लोग तीन पैटर्न से, तीन तरीके से हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं। ये तीन तरीका क्या है? पहला प्रॉम्प्ट, जैसे कि हम लोग जानते हैं चैट जीपीटी हो गया, इस तरीके की एड जर्नी हो गई, उसमें एक हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं जो भी हमें चाहिए, प्रॉम्प्ट मतलब टॉपिक, उस रिलेटेड वो हमको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक देंगे, प्रॉम्प्ट देंगे जिस रिलेटेड हमें क्वेश्चंस ऑप्शन जनरेट करना है। दूसरा हमारा डॉक्यूमेंट, कोई भी अगर आपका एक डॉक्यूमेंट फाइल है, पीडीएफ फाइल है, अगर आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, अगर आप उसको यहाँ पे लेते हैं तो उसमें से ये क्वेश्चंस जनरेट करके देता है एआई। तीसरा जो है वेब यूआरएल, कोई भी वेब यूआरएल डालते हैं, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे वो ऐसे वेबसाइट का हो, तो वहां से उस वेब यूआरएल से वो क्वेश्चन जनरेट करके देता है। सबसे पहले हम लोग प्रॉम्प्ट पे आते हैं, यहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट दिया कि नंबर नंबर सिस्टम फॉर क्लास 10th के लिए हम लोग नंबर सिस्टम्स का कुछ क्वेश्चन हमें अभी चाहिए। तो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसमें यस नो है, फिलिंग दी ब्लैंक्स है और मिक्स्ड है। अभी हम लोग एमसीक्यू पे चलते हैं।
अब आते हैं नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस। हमने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 10 कर दिया। लेबल इजी है, मीडियम है, हार्ड है और मिक्स्ड है। अभी इजी हम लोग लेबल में चल रहे हैं। यहाँ से हमने जनरेट किया, बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट ये क्वेश्चन हमें जनरेट करके यहाँ पे दे देता है। और भी क्या इसमें सबसे अच्छी बात है, ये देखिए नंबर जो हमने इसको टॉपिक दिया था उसमें ये क्वेश्चन जनरेट करके 10 दे दिया है। सेकेंड्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से आ रहा है। मैंने कोई क्वेश्चन यहाँ पे लिया है और यहाँ पे ये भी ऑप्शंस दे रहा है कि क्या इस क्वेश्चन में कोई आप इमेज लगाना चाहते हैं। वो इमेज भी आप इंस्टेंट AI से जनरेट करके उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो उसको कुछ रेलेवेंट लगता है यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको वो सही लग रहा है आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करके उसको आप वहां पे पुट कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। ये क्वेश्चन जैसे मैंने इंग्लिश में जनरेट किया है, ये आप हिंदी में भी जनरेट कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी या डायरेक्टली आप हिंदी में भी कर सकते हैं। इसको मैं अभी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहा है, इसमें सबसे पहले हम लोग लोकलाइज में जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन। इस नंबर्स ऑफ क्वेश्चन को यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लैंग्वेज देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं कि ये जो क्वेश्चन का टाइप है इसको वेलबींग रखना है, सस्टेनेबिलिटी रखना है, क्लाइमेट और इंक्लूसिव। तो ये क्वेश्चन का टाइप भी चेंज होता है, क्वेश्चन यही रहेगा बट ये क्वेश्चन पूछने का तरीका इन इसके हिसाब से चेंजेज हो जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही कमाल का फीचर है जब अगर आप इसको देखेंगे। अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज पे। लैंग्वेज में हमने बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज भी है, हिंदी को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने क्लिक किया। अभी आप देखेंगे बहुत ही जल्द ये हिंदी में जो 10 क्वेश्चंस थे अभी 6 दिख रहे हैं, बाकी नीचे में है, तो ये सारे जनरेट हो जाएंगे। ये देखिए आपको हिंदी में क्वेश्चंस जनरेट यहाँ पे कर दिया। ये सारे के सारे हमारे 10 क्वेश्चंस जो थे हिंदी में आ गए, यहाँ पे हम लोग अब देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने सेव किया, ये सारे क्वेश्चंस हिंदी में आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात है, ये सेकंड क्वेश्चंस में हमने जो इमेज लगाया था इमेज लग गया। फर्स्ट में भी अगर ऐसा है हमें इमेज लगाना है वैसी हम लोग इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे एक टाइम दे रहा है आप देख रहे होंगे, तो इसके साथ हम लोग एक हार्डवेयर डिवाइस देते हैं जिसको बोलते हैं क्लिकर। एक शॉर्ट रिमोट होता है जो सारे बच्चों को रोल नंबर के हिसाब से असाइन होता है, वो सारे बच्चे इसमें अपना वो क्वेश्चंस नेक्स्ट 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 टाइमिंग के हिसाब से ही आते रहेगा। जो भी आप टाइम असाइन कर देंगे, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं उसके हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उस टाइम के बाद नेक्स्ट। 100% बच्चे इससे इंटरेक्ट करते हैं और उनको बहुत मजा आता है। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसपे हम लोग बात करेंगे आगे। देखिए सेकेंड टाइप से हम लोगों को अब क्वेश्चन बनाना है जो कि है वेब URL। अब इस वेब URL से हम लोग कैसे क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन ये ऑलरेडी था, इसी में मैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ। अब वेब URL में मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया, या यहाँ पे हमको URL डालना है या URL हमें टाइप करना है। तो मैं एक आपके सामने जो है सबसे पहले एक वेब URL का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं गया, मैं पहले से यहाँ पे एक खोल रखा था ब्राउजर, ये ओपन हो रहा है। इसमें आप देखेंगे एक कोई टॉपिक है, मैं ले लेता हूँ ये किसी का प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये लिंक को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहां पे मैं अब पेस्ट करूंगा उसको। जैसे यहां पे मैं गया वेब URL पे गया, यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहां पे क्वेश्चंस हमें 5 क्वेश्चंस जनरेट करने। उसी तरीके से आप लेबल भी कर सकते हैं और क्वेश्चंस किस हिसाब से चाहिए। जनरेट किया, ये हमारा क्वेश्चन जनरेट हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ऐड इमेज अगर करना है हमने क्लिक किया, कुछ यहाँ पे ऐसे आ गया इमेजेस। अगर इसमें से कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड करना चाहते हैं तो नहीं ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसको ऐसे उठाना है और ये हमने कुछ ऐड कर दिया, तो ये हो गया। अब थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तीसरा ऑप्शन जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि डॉक्यूमेंट, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है
ठीक है। अगर मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ माई डॉक्यूमेंट पे मैं गया, ये जो है हमारा लोकल फाइल या अलग से कोई भी फाइल है उसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और वो आ जाता है। ये हमारा कोई पीडीएफ है, मैंने इसको जनरेट किया। ये अब आप देखेंगे मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चंस का ऑप्शंस रखा था, उस पीडीएफ से यहाँ पे क्वेश्चंस जनरेट करेगा और ये 6 नंबर जो है क्वेश्चंस को ये जनरेट किया है उस पीडीएफ से। ये अ शॉप कीपर बाउट 30 केजी ऑफ फीट द रेट ऑफ दिस एंड दिस इज दिस। तो ये जो है हम लोग डॉक्यूमेंट से भी ये क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट देख करके भी कर सकते हैं और वेब यूआरएल से भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें और भी बहुत ही अच्छे टूल्स और सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें एक टीचर्स के लिए आपको एनवायरनमेंट मिलता है, सॉफ्टवेयर मिलता है, स्टूडेंट के लिए मिलता है और एडमिन के लिए मिलता है। वो क्या है, कैसा है और बहुत ही अच्छा है, इसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जल्दी आने वाला है, आपको उसमें पता चल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।